और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही है, हरियाणा कांग्रेस को लेकर बैठकों का दौर जारी। जी हरियाणा कांग्रेस को लेकर बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में आज फिर हरियाणा के दिग्गजों के संग बैठक का संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल करेंगे बैठक। और कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के साथ ये बैठक जो है वो होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के साथ ये अहम बैठक होने जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस को लेकर बैठकों का जो दौर है लगातार जारी है, भीतरकाले में मंत्रियों का दौर जारी है। फिर हरियाणा के दिग्गजों संग बैठक जो है वो होनी है। जाहिर तौर पर कई अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में जान फूकने और अध्यक्ष को लेकर जो मंथनों का दौर है, क्योंकि अब सिर्फ हरियाणा कांग्रेस में अध्यक्ष ही नहीं बल्कि चार जो सहअध्यक्ष है उनकी नियुक्तियां भी होनी है। और एक फॉर्मूला जो है हरियाणा कांग्रेस में जान फूकने के लिए निकाला गया है। और जाहिर तौर पर इसको लेकर लगातार बैठकों के जरिए मंथनों का दौर जो है वो चल रहा है। आज फिर हरियाणा के दिग्गजों के संग बैठक जो है वो होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, हरियाणा कांग्रेस को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है, फिलहाल आज भी बैठक होने जा रही है? देखिए बिल्कुल, हरियाणा के तमाम नेताओं की दिल्ली दौड़ लगातार देखने को मिलती है, नजर आ रही है। और कांग्रेस के आज केंद्रीय पाकिस्तान की नेताएं उन मुलाकात जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। आज कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव से दिल्ली में मुलाकात जो है करते हुए नजर आएंगे। और ये मुलाकात इस मायने भी काफी अहम हो जाती है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का नाम भी जो है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जो है आगे कहीं ना कहीं जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में तमाम नेता अपनी अपनी जो मन की बात है, अपने अपने जो संगठन की बात है, वो तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है उसको जो है पहुंचाने की कोशिश कहीं ना कहीं जो है करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी संदर्भ में हमने देखा था कि कुलदीप बिश्नोई पिछले दिनों प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात कर चुके हैं और आज उनकी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात होने वाली है। स्पर्श, जाहिर तौर पर इस बार तो सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बल्कि जो अलग से सहअध्यक्ष बनाए जाने की कवायद है वो भी जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में जो गुटबाजी हावी है हरियाणा कांग्रेस में, उसे किस तरीके से कॉन्फिडेंस में ले पाएंगे एक नाम पर ताकि सहमति बन पाए? देखिए, केंद्रीय आलाकमान के सामने बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से सबको एक मंच पर लेकर आया जाए। जाट वर्सेस नॉन जाट का जो फॉर्मूला है वो भी क्या हरियाणा में जो संगठन का विस्तार होगा आने वाले समय में उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। क्या प्रदेश अध्यक्ष जाट होगा या फिर जो विधायक दल का नेता है वो गैर जाट होता हुआ नजर आएगा? ये तमाम चीजें किस तरीके से कांग्रेस जो है मैनेज करती हुई नजर आ सकती है, उसी को लेकर जो मंथन का दौर है वो लगातार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमने कल सूत्रों के हवाले से खबर भी चलाई थी कि जो तमाम कार्यकर्ता है उनसे सर्वे भी कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं जो है करवाती हुई नजर आ रही है ताकि आप सहमति जो है कहीं ना कहीं किसी नाम को लेकर जो है बनती हुई नजर आए। चलिए स्पर्श, आप बने रहिए आप हमारे साथ, तो इस खबर पे आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे। लेकिन इस